मध्य प्रदेश के मध्य में भव्य नर्मदा नदी के किनारे बसे एक दूरदर्शी जैन किसान खेमेंद्र सिंह की कहानी है, जिनकी यात्रा नवीनता और दृढ़ता की भावना का प्रतीक है। मिलिए खेमेंद्र सिंह से, जो 60 एकड़ उपजाऊ भूमि के गौरवान्वित संरक्षक हैं, जहां परंपरा कृषि के क्षेत्र में आधुनिकता से मिलती है। पारंपरिक खेती से जुड़े परिवार में पलेब्धे खेमेंद्र की यात्रा में 1990 में एक परिवर्तनकारी मोड़ आया, जब उन्होंने लिफ्ट सिंचाई की क्रांतिकारी अवधारणा को अपनाया। 92 में मैंने लिफ्ट इरिगेशन किया 110-10, 140-40 mm की 3-3 हज़ार फीट की, क्योंकि हमारी दूरी ज़्यादा नहीं है, नर्मदा मैया के जस्ट पास में ही है। 4-4 हज़ार फीट दूर की हमारी पाइपलाइनें हुई है, 3-4 पाइपलाइनें हमने 300 बीघा में उस समय में डाली। लिफ्ट सिंचाई के आगमन से पहले खेमेंद्र के पूर्वज सदियों पुरानी तकनीकों पर निर्भर थे, जहां बाढ़ सिंचाई फसल की पसंद तय करती थी। पाइपलाइन तो होगा, पानी होगा खेतों में, फिर उसके बाद में टेक्नोलॉजी के हिसाब से सिर्फ फ्लड पानी चलता था, जब उस समय बिजली पर्याप्त होती थी तो 4 पाइपलाइन में भी हमारी पूर्ति हो जाती थी। 300 बीघा में फ्लड पानी देते थे, लेकिन फ्लड पानी और क्रॉप लेते थे वही पुराने जमाने कपास है, मिर्ची, मक्का, ये चीजों का उत्पादन होता था। लेकिन किस्मत को खेमेंद्र के लिए कुछ और ही मंजूर था। जैन इरिगेशन के अपने गुरु बड़े भाव के ज्ञान द्वारा निर्देशित यात्रा पर निकले। हमारे मार्गदर्शक रहे जैन इरिगेशन के भाव साहब, जिन्होंने पीवीसी का प्लांट सबसे पहले सेंधवा में स्टार्ट किया था 86-87 में। वहाँ के कुछ इंजीनियर्स लोग आते रहे, वो हमको ले जाके विजिट करवाते थे। फिर हमको पता चला कि नर्मदा मैया तो हमारे पास में बहती है, लेकिन ये पानी खेतों तक पहुँचने की हमको जो ज्ञान दिया वो जैन इरिगेशन से ही हमको समझ में आई। जैन इरिगेशन के समर्थन से खेमेंद्र ने बागवानी में कदम रखा और पारंपरिक फसलों से आगे बढ़कर केले, गन्ना और अमरूद के क्षेत्र में कदम रखा। हॉर्टिकल्चर में उतरे, उद्यानिकी फसलों में केला स्टार्ट किया। फिर केले में भी हम खोड़ आता था, खोड़ टिश्यू नहीं था, जब खोड़ लगाते थे वही महाराष्ट्र से लाते थे, नावी, शावदा, फिजपुर से कठाने लगाते थे, वही फ्लड से चलता था। खेमेंद्र के अटूट संकल्प ने उन्हें जैन केला टिश्यू कल्चर प्लांट और माइक्रो ड्रिप सिंचाई सहित नवीन समाधान अपनाने के लिए प्रेरित किया। फिर जैन इरिगेशन वालों ने हमको प्रमोट किया, दिखाया, सिखाया कि टिश्यू कल्चर तैयार हुआ, टिश्यू कल्चर लगाओ और पहले माइक्रो ट्यूब ड्रिप चलती, उससे हमने ड्रिप से स्टार्ट किया। और उस समय गवर्नमेंट की सब्सिडियाँ जब 90% थी, हमारे यहाँ 75% थी, तब भी किसान उस पर नहीं जाता था। फिर यही जैन इरिगेशन का आप इनलाइन आया, उस पर हम गए, इनलाइन से स्टार्ट किया, फिर पूरे 300 बीघा में इनलाइन और फिल्टर सिस्टम सब जैन के लगाए और चालू किया। अच्छा उत्पादन मिलने लगा, फिर भी थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती थी, क्योंकि हर फील्ड पे अलग अलग फिल्टराइजेशन, फ्लशिंग, मैनुअल फ्लश करना, ड्रिप मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा दिखने लगा। जैन इरिगेशन की विशेषज्ञता से सशक्त होकर खेमेंद्र ने साथी किसानों के बीच ड्रिप सिंचाई को अपनाने का बीड़ा उठाया और फसल की पैदावार पर परिवर्तनकारी प्रभाव देखा। अपनी सफलता को साझा करने के जुनून से प्रेरित होकर खेमेंद्र ने साथी किसानों के लिए अपने खेत के दरवाजे खोल दिए। जैन इरिगेशन के अत्याधुनिक समाधानों ने उनके कृषि कार्यों के हर पहलू में क्रांति ला दी। जैन कंपनी हमको 2016-17 में इसराइल ले गई। वहाँ पे इसराइल में वर्ल्ड लेवल का मेला लगता है, फिर वहाँ जाके जो देखा और सीखा, तो उसके बाद तो हमने मन ही बना लिया कि घर आके भले कुछ भी हो, कहीं से भी पैसा उठा के, लेकिन ऑटोमेशन करेंगे। और एक साल में 300 बीघे का पूरा प्लानिंग करा, जैन के इंजीनियर्स आए, 300 बीघे का प्लानिंग करा, सेंट्रलाइजेशन करके मैंने पूरा फुल्ली ऑटोमेशन चालू किया। और आज 5-6 साल हो गए हैं और मैं इतना सुखी हूँ कि ऑटोमेशन लगने के बाद में आज हमारे जहाँ मैं बैठा हूँ उसके साइड में अगर आप देखेंगे रौनक ही चेंज हो गई। एक छोटा ट्रैक्टर था, आज मेरे पास 4 ट्रैक्टर है और पूरा जैन के ही। फिर धीरे धीरे हमारे उसमें डीलरशिप बोले तो पौधे वगैरह सप्लाई, सभी किसान हमारे से जुड़े तो वो भी ले लिया और सब पौधे वगैरह, पाइप, ड्रिप्स जैन के हम लोग सप्लाई करने लगे। आज खेमेंद्र सिंह सफलता के प्रतीक के रूप में खड़े हैं, जो जैन इरिगेशन की प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। तो जो भी है ये जैन की वजह से ही है,
और ऑटोमेशन की वजह से, जैन की वजह, जैन ने हमको लाइन दी प्लस मेहनत हमने की और आज जो है वो जैन की वजह से पूरा 300 बीघे का ऑटोमेशन है, उस पर हमारा उत्पादन बढ़ा है, एक्सपोर्ट क्वालिटी पैदा करते हैं हम और एक्सपोर्टर भी बन गए हैं, खुद का निजी एक्सपोर्ट करते हैं, डोमेस्टिक मार्केट में मदर डेयरी है, रिलायंस है, महिंद्रा है, उसमें सारा माल जाता है। हमारे बेटों को हमने अच्छा पढ़ाया दिल्ली यूनिवर्सिटी से टॉप करके, आज वो भी हमारे साथ में, ये इतना अच्छा हमने प्लेटफॉर्म दिया ऑटोमेशन का कि वो बच्चा आज इसी लाइन पे है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब छोड़ के वापस आके यहीं काम कर रहे हैं, खेती में ही, खेती से जुड़ा हुआ काम। और जैसे नई तकनीक आती है, अब हम हमारे पुराने हिसाब से पढ़ाई लिखाई की हुई है और आज वो बच्चे इसको और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। उनकी कहानी सिर्फ विपरीत परिस्थितियों पर विजय की कहानी नहीं है, बल्कि परंपरा, नवीनता और उत्कृष्टता की निरंतर खोज का उत्सव है।